हमारा लक्ष्य है कि कांटी का हर एक परिवार का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाए। कोई कंपटीशन है? हम कंपटीशन वाला लोग हैं? अरे हमारा तो दिन रात निरंतर अभियान चलता रहता है। हमको किससे कंपटीशन है? हमसे कोई कंपटीशन करता होगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें किसी से कंपटीशन नहीं है। हम तो चुनाव लड़वे ना करेंगे। अब कौन कहाँ कंपटीशन कर रहा है और कहाँ भाग दौड़ हो रहा है हमको इससे मतलब नहीं है। मेरा संकल्प है हम सत्ता में रहे ना रहे, हम अपने संकल्प पर काम करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार का दामोदरपुर के हीरा नगर मोहल्ले में कमलेश कांत गिरी के आवास पर सदस्यता कैंप का आयोजन किया गया। करीब 250 लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा गया। सदस्यता अभियान को लेकर कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पार्टी से जोड़ने की होड़ मची है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के समर्थक लगातार कांटी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, टोले-टोले, कस्बे में सदस्यता अभियान कैंप लगाकर अपने नेता के हाथों को मजबूत करने में जुटे हैं। इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। पार्टी के नज़र में अपने रेफलर आईडी से बनाए गए सदस्यों की संख्या निश्चित ही पार्टी के मजबूती के नज़रिए से अहम होगा। इसे टिकट के दावेदारी पर भी दावा मजबूत होगा। कांटी में सदस्यता अभियान में कंपटीशन के सवाल पर पूर्व मंत्री ने साफ कहा कि हमसे किसी को कंपटीशन होगा, हमारा लक्ष्य है कांटी के हर एक एक परिवार को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, पार्टी को मजबूत करना। देखिए अभी जो है दशहरा का समय, हमारे मित्र कमलेश कांत गिरी जी के आवास पर आज कार्यकर्ताओं का एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमने सबों को कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार को, समाज को, देश प्रदेश के लोगों को दशहरा का शुभकामना दिया है। और मुख्य रूप से मेरे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान। इस सदस्यता अभियान को मुजफ्फरपुर जिले में हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और हम लोगों का लक्ष्य है कि हर एक परिवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से जोड़ें। इसी क्रम में आज यहाँ इस अभियान के तहत हमने 200 से अधिक अपने समर्थक, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग को आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया हूं। और पूरे देश के पैमाने पर यह अभियान चल रहा है। आप यहां आए हैं, लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो बैठक में उपस्थिति है, इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुखातिब हैं और सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ, उनके कार्यक्रम, उनके संकल्प को आगे बढ़ावे, मजबूत करें। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था। मैंने तो पहले ही कह दिया कि 250 से अधिक लोग को आज यहाँ सदस्य बनाया गया। अजीत कुमार का क्या लक्ष्य है कांटी में सदस्यता का? हमारा लक्ष्य है कि कांटी का हर एक परिवार का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाए। कोई कंपटीशन है? हम कंपटीशन वाला लोग हैं? अरे हमारा तो दिन रात निरंतर अभियान चलता रहता है। हमको किससे कंपटीशन है? हमसे कोई कंपटीशन करता होगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें किसी से कंपटीशन नहीं है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि कांटी के हर एक परिवार को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दें और इसी लक्ष्य के तहत आज यहाँ चलते चलते गिरी भाई के नज़दीक पहुँच गए हैं। कोई कंपटीशन हमसे नहीं है और हमसे किसको कंपटीशन है वो हमको मालूम नहीं है। ये भाई हम तो लड़वे ना करेंगे, हम तो चुनाव लड़वे ना करेंगे।
अब कौन कहां कंपटीशन कर रहा है और कहां भाग दौड़ हो रहा है हमको इससे मतलब नहीं है। हम कांटी के माटी में पैदा लिए हैं और हमारा संकल्प है कांटी के माटी के लोगों से कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा, नौजवानों को रोजी रोजगार सम्मान, माँ बहनों का इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखना और समाज को प्रगति के पथ पर आगे ले चलना, ये मेरा संकल्प है। हम सत्ता में रहे ना रहें, हम अपने संकल्प पर काम करते हैं और 99% सफलता भी पाते हैं। हम आपको बड़े क्लियर कट शब्दों में कहना चाहते हैं। देखिए, माननीय पूर्व मंत्री अजीत कुमार के द्वारा फोन किया गया 1 घंटा पहले, दामोदरपुर में बहुत बड़ा इनका सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। फोन के बोले वो गिरी जी कहाँ है, हम बोले डेरा पर हैं, तो हम 1.5 घंटा में आपके घर पर आ रहे हैं। अब उतना ही देर में जो है अजीत कुमार के नाम ही काफ़ी है, जिसको जिसको फोन किए घर से सब लोग निकलना चालू किया और सैकड़ों आदमी की यहाँ पर जमावड़ा लग गया जो 1 घंटा के अंदर में, और इनके द्वारा बीजेपी का सदस्यता अभियान ग्रहण कराया जा रहा है और सभी लोग सदस्यता अभियान ग्रहण कर रहे हैं, बन रहा है सब। आस्था बनाए हुए हैं आप लोग? आस्था या कोई आटी पार्टी नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर अजीत कुमार हैं, अजीत कुमार जहाँ जाते हैं वहीं से पार्टी शुरू हो जाता है। और अभी तो बीजेपी में आ गए हैं, अब आने वाला समय बताएगा। सुन रहा है कि जब कंपटीशन चल रहा है, अजीत कुमार है कंपटीशन, कांटी के लाल और कांटी के आन बान शान, 12 बजे रात में फोन करिए, अजीत कुमार जी हाजिर है। और जब अब सुनिए ना, 1.5 घंटा पहले हमको फोन किए, क्यों गिरी जी तारा घर पर आ रहा है, अब महल्ला में हम फोन किया और सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गया यहाँ पर, 100 आदमी को जुटाने के लिए नेता लोग 1 हफ्ता से प्रयास करता है। अजीत बाबू का फोन आ जाता है जो 10 मिनट पहले, और नाम ही काफी है।